महाराष्ट्र के अलावा गुजरात के कई जिलों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के कई जिलों में एक दिन में इतनी बारिश हो गई है जितनी आमतौर पर पूरे मॉनसून सीजन में होती है। जूनागढ़ से नवसारी तक के इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात के आधा दर्जन जिलों में तूफानी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लाखों लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई। शहर शहर बाढ़ का कहर देखने को मिला। कॉलोनियों में पानी भर गया और सारे रास्ते जाम हो गए। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। जूनागढ़ में 24 घंटे के भीतर 241 मिलीमीटर की बारिश ने इस शहर की सूरत बिगाड़ दी। ऐसा लगा कि सब कुछ सैलाब में बह जाएगा। बाढ़ के पानी में कई कारें बहती नजर आई। महंगी गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही थी। एक शख्स कार में बैठा था और कार बाढ़ में बहते देख लोगों की चीख निकल गई। जगह जगह लोगों की जान जोखिम में दिखी। जो पॉश इलाके थे वहां भी गाड़ियां खिलौनों की तरह बाढ़ के पानी में डूबी थी। दौलतपारा, सबलपुर, राजलक्ष्मी पार्क, कालवा नदी, हर जगह तबाही दिखी। जूनागढ़ में हुई भारी बारिश ने पूरी तरीके से तबाही मचा दी। अहमदाबाद में भी भारी बारिश दर्ज की गई। हालांकि यहां पे जो नुकसान हुआ वो ज्यादातर वाहनों का हुआ, लेकिन जूनागढ़ और नवसारी में जो भारी बारिश हुई तो कहीं गैस के बोतल तैरते हुए दिखे तो कहीं लोगों की गाड़ियां तैरते हुए दिखी। यहाँ तक कि लोगों को वाहनों में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि अब इन वाहनों को हटाने के लिए जो क्रेन है वो राजकोट और दूसरे शहरों से मंगवानी पड़ रही है। कई गाड़ियां बर्बाद हो गई, कई वाहन जो है, कई टू व्हीलर्स जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। साथ साथ जो लोगों के घर है, जो कच्चे घर है, वो भी पूरी तरीके से टूट गए। हालत ये कि जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से एक इमारत गिर गई। गनीमत ये रही कि बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था। मकान के अंदर कोई नहीं रहते थे। मकान के नीचे वाले में बाग में एक रिक्शा वाला था, उसके चार लोग थे उसमें, और एक चाय की लारी वाला था। अभी 158 लोग को नोटिस दी है जूनागढ़ कॉरपोरेशन ने। वो बिल्डिंग सब उतारने का कामगिरी इमरजेंसी करनी पड़ेगी, क्योंकि नोटिस देने से कुछ नहीं होता है। पहले मकान खाली कराना पड़ता है, नहीं माने तो दरार कराना है, क्योंकि ये जो जान माल की नुकसानी, माल की नुकसानी सहन होती है, लेकिन जो आदमी और जो बच्चे लोग, उसकी नुकसानी कभी भी भरपाई नहीं होती। नवसारी भी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में था। सैकड़ों रसोई गैस सिलेंडर बहते नजर आए। सिर्फ एक गैस एजेंसी को बाढ़ से 10 से 12 लाख का नुकसान हो गया। ये सुबह में करीब 10 बजे, पौने 10, 10 बजे के बाद जब पानी स्टार्ट हुआ है, तो ये बाहर का पानी, जूना थाना मेन रोड का, अपना खोड़ियर माता चैरिटेबल ट्रस्ट का पानी पूरा अंदर हमारा अंदर कंपाउंड में आ गया, और गोडाउन के अंदर कम से कम 10 से 12 फुट पानी अंदर आ गया। तो भरा हुआ सिलेंडर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो पानी में तैर नहीं सकता है। एम्प्टी सिलेंडर था, वो पानी में तैरना चालू कर दिया और अंदर आवाज चालू हो गया, धीरे धीरे करके वो बाहर निकल गया। बाहर निकाल के बाद में एक दीवार टूटी थी, इसके बाद दूसरी दीवार टूटी, इसके बाद तीसरी दीवार टूटी, और पानी सीधी झाड़ी जंगल में, सिलेंडर झाड़ी जंगल में चला गया। नवसारी का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति सड़क पर भरे पानी के बीच एक दूसरे को सहारा देते दिखे। नवसारी में हालात अब भी ठीक नहीं है। पूरे शहर में पानी घट गया, लेकिन कीचड़ फैला है। पूरे शहर में सफाई अभियान छेड़ा गया है। बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लेकिन आज सिचुएशन नॉर्मल है और सब जो मेन रोड है, पब्लिक रोड से, वहीं से भी पानी रिसीड हो गया है। और नगर पालिका ने अभी किसी तरह का कोई आउटब्रेक ना हो, उसके लिए इंटेंसिव क्लीनिंग ड्राइव स्टार्ट किया है। अहमदाबाद के एयरपोर्ट का ये हाल हो गया। एयरपोर्ट के सामने वाली सड़क पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गई। मौसम विभाग ने गुजरात के कई शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, नवसारी से रौनक जानी के साथ अहमदाबाद से गोपी घांगर, आज तक ब्यूरो।